कार्बी में ना भाई पानी की पहले ये देखो भाई ऐसे करके पूरा तैयार किया जा रहा है। और मैं इतने ही लोगों का झुंझा हूँ, सारे जो घर बने हैं हर जगह भाई। ये देखो खतरनाक ट्रेन। हाय गाइस, आप सबका नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और अभी हमें भाई कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 में आप सबका भाई स्वागत है। असम का एकदम भाई खतरनाक वाला फेस्टिवल। और रात में देखो भाई कैसा दिखता है, चारों तरफ एकदम जगमग 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 एकदम भाई अलग ही। ये देखो लिखा है फेस्टिवल इज 2024। भाई इसको इस फेस्टिवल को ना होते होते 50 साल इस हो गए हैं। इस बार जो है 50वां है ये फेस्टिवल का। ये देखो भाई आई लव तारा लांग शो। देखो भाई दूसरा स्टेज आ गया पूरा करके। जब अंदर जाओगे देखो भाई कितना सुंदर यार लग रहा है। ये देखो ऐसे करके ना पूरा फंक्शन होता है। हेलो हाय हाय हाय। ये भाई देखो पूरा स्टेज कितना भाई सज रहा ना सुंदर सुंदर सा। इसी तरह के ना बहुत सारे स्टेज है यहाँ पे। ये देखो लाइक ऐसे ऐसे करके पूरा भाई काम ही चल रहा है। और हर जगह पे अलग अलग कुछ होता है। तो भाई कितना भाई से पूछते हैं। हेलो भाई यहाँ पर क्या होगा? ये जो सज रहा है फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल डांस होगा, सिंगर आएगा इधर। अच्छा ये जितने इस तरह के बन रहे हैं ना स्टेज तो सब पर डांस होगा अलग अलग की? अलग अलग होगा, इसमें होगा ऊपर में होगा। एक ही तरह का डांस होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा अलग अलग। हाँ इधर आज होगा 12 तारीख में इधर होगा। हाँ इधर 13 तारीख में होगा। अच्छा अच्छा जैसे 12 को यहाँ होगा 13 को दूसरे उसमें होगा ऐसे करके? दो दिन होगा। ओके भाई ये देखो कुछ ऐसा है, मज़ा आ गया भाई फेस्टिवल में ना भाई मज़ा आने वाला है। ये तो भाई पता है, हॉर्निबल गए थे देखे होंगे पिछले वीडियो एक महीना पहले, उससे भी भाई भयंकर एकदम अलग। भाई ये देखो खतरनाक ट्रेन, बुलेट ट्रेन है एकदम, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में चलती है ट्रेन, रॉकेट की तरह ऐसे ऐसे करके पूरे फेस्टिवल में ऐसे ऐसे भाई घूमेगी। ये भाई ग्राउंड के बगल में ना ये पूरा ऐसे करके पूरा लाइक तालाब सा बना हुआ है। ये जो है छोटे बच्चे बच्चे हो या बड़े हो बूढ़े भाई सबके लिए तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। ऐसे करके भाई पूरा बना है ये देखो। इधर तो भाई पूरा ऐसे का एकदम सुंदर देखो कितना सुंदर दिख रहा है यार, मज़ेदार है ट्रेन पूरी। एग्जिट के भाई जस्ट सामने जो है ना इधर एक विलेज के लिए गया जहाँ पर जो लोग ऐसा कुछ करते हैं। विलेज है एक चिंग विलेज, यही मतलब ये जो ट्राइब लोग रहते हैं ना इन ट्राइब का अलग अलग विलेज है ना ऐसे करके। बहुत भाई ज़ोर से एकदम तैयारी चल रही है एकदम खतरनाक वाली। एथनिक विलेज का नाम भाई था और इस विलेज के अंदर जो है चल रहे हैं। और इधर से कुछ ऐसा ये गेट का एंट्री है। और यहाँ पर क्या सीन है ना इस तरफ विलेज में कि मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा इनके सबके भाई अलग अलग काउंटर और अलग अलग जगह से आए होंगे। चल के देखते हैं क्या सीन होता है भाई। अभी तो सब तैयारी चल रही बड़ी ज़ोर शोर से एकदम। ये देखो पूरा लाइक ऐसे करके पूरा, ये इधर भी ग्राउंड में कोई बड़ा सा पंडाल लगेगा उसकी तैयारी। देखो झंडा वंडा ऐसे करके पूरा भाई सब। ये देखो भाई ये सारे जो घर बने हैं हर जगह, मणिपुर से कोई त्रिपुरा से कोई मिजोरम से कोई नागालैंड से और कोई नेपाल से, जैसे लाइक ये घर बने ना। और इन घर के सामने पूरा जो है ट्रेडिशनल दिखाएंगे, जो इनका कल्चर होगा वो सब भाई अपना दिखाएंगे, खाना पीना रहना और ये सब ऐसे। अभी तो भाई कोई नहीं है। और ये घर के बीच में जैसा भी कुछ रखते हैं पूरा जैसा घर होता ना हर प्रदेश का बोलेंगे ना जितने ट्राइब का उसी हिसाब से। ये भाई कुछ जो है दूसरी ट्राइब का घर है। ये देखो पूरा ऐसे करके लाइक, ये देखो ऐसे। भाई कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो? 10 किलो। 10 किलो कौन सी ट्राइब का ये घर है? आदिवासी। आदिवासी अच्छा अच्छा, पूरा जैसे रहना वो सारा कुछ इस घर में प्रेजेंट होगा ना? हाँ। ओके ये देखो भाई अभी तो पूरी तैयारी चल रही है इस घर की। ये देखो ऐसे भाई ये पूरा ऐसे घर के अंदर होता है। ये देखो भाई ऐसे करके पूरा तैयार किया जा रहा है। और ये जो है ना घर ये दूसरी ट्राइब का, दूसरा मतलब जो प्रदेश का। और ऐसे करके ये अपना जो धान वान ऐसे करके बनाते हैं। अभी तो भाई सब तैयारी ही चल रही है इधर से।
ये देखो इनका जो घर होता है ना, नीचे ऐसे बांस लगाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर ऐसे छत, उसके बाद ये बेम्बू होता है ये सब। ये देखो पूरा बेम्बू बेम्बू, और इसका बेम्बू के बाद पूरा ऐसे भाई करके लाइक होता है घर। इसी तरह के ना बहुत सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के या जितने ट्राइब हैं और जितने ट्राइब का कल्चर है ना, वो सारा कुछ अलग अलग कल्चर जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये देखो अब ये भाई घर देखिए कितना नीचे से ऐसा बेम्बू लगा के, फिर बेम्बू ही ऐसे रखते हैं लाइक। इसका ये मतलब होता है कि जैसे ठंडी में गर्म रहता है पूरा बेम्बू का जो हाइट होता है, और गर्मी में ठंडा रहता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि भाई हमने पूछा है ना बहुत जगह, और जो लोगों ने वीडियो देखा तो भाई उन्हें पता होगा ऐसा कुछ। ये देखो भाई ये कौन सी ट्राइब का घर है, ये देखो भाई मैतेई लोगों का जुमजाओ बोला जाता है। मणिपुर से हो? मणिपुर से, मैतेई ट्राइब। मैतेई ट्राइब अभी पूरा हो जाएगा कल, अभी रात को तैयारी हो जाएगा, कुछ लोग आएंगे अभी के, और जो बाकी है कल में, कल से तो शुरुआत हो जाएगी। जैसे हम लोग का मैतेई लोगों का जो बड़ा घर की सम्मान जैसे शुरुआत में हुआ था, हाँ उस हिसाब से जो आदि पर्व से चल के आया हुआ, जो पहले लोग जैसे रहते थे हजारों साल पहले, हाँ हाँ, तो वही कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी को प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला गया था, हाँ। ये पहली बार है विश्व भर में, शायद हम लोग को पहली बार मिला हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है आपको जी, इससे पहले कभी नहीं मौका मिला, इंडिया के अंदर में कहीं नहीं मिला है, पहली बार ऐसा पहली बार मिला है। और यहाँ बहुत साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग को ये इजाज़त नहीं दिया गया था, इस बार हम लोग को मिला है। ऐसा क्यों आपको इजाज़त नहीं मिल रहा था? आप भी ट्राइब से आते हो, हाँ। और भी सारी बहुत सारी, हाँ, जो है ट्राइब देखा है हमने हर जगह, उनका भी कल्चर दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, आपका ऐसा क्यों था? ऐसे कुछ नहीं है, अपना भेद विचार है, अपना अपना विचार के अनुसार होता है। पूर्वांचल क्षेत्र में हम लोग आदि पर्व से हम लोग बासिंदा है, बुनियादी है, आदिवासी है, और यहाँ के लोग जैसे बोलते हैं ना अपना अपना, तो वो तो चल उसी के बजाय हम लोग को देखने के लिए ना ये है क्या, तो इसीलिए हम लोग को ये दर्जा मिला गया, हाँ। शायद, हाँ नहीं तो नहीं देने वाला था, क्योंकि हम लोग भी ट्राइब है, मालूम है लोगों, हम लोग भी जनजाति है, तो भूमिपुत्र हैं, लेकिन ये लोग हिस्सा छीन लेंगे ना, हाँ तो इस हिसाब से वो चीज़ को मतलब रुकआउट मिला है, इस बार वो लोग देख रहा है। कार्बी में ना भाई पानी की पहले दिक्कत थी, अब तो हर जगह 5-5 मिनट में ऐसे करके भाई वाटर कूलर लगे हुए हैं, और जिसको भी पानी पीना हो लाइक पी सकता है, बड़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये जो ट्राइब होती होगी ना, इनका ऐसे करके ऊपर से देखना कौन अटैक कर रहा, कौन क्या कर रहा लाइक, इसीलिए पूरा ऐसे करके बनाए हैं चौकी और सुरक्षा के लिए। अभी तो भाई ऐसे पूरा एक काम चल रहा है इधर इन सब लोगों का। ये भाई जैसे ना फार्मिंग करते हैं उस तरह का पूरा कल्चर दिखाया है, कैसे जो ये लोग जो है फार्मिंग करते हैं, एक घर बनाते हैं हर खेतों में, वहाँ पे अपना रुकने के लिए एक ये घर होता है, फिर पाने के लिए ऐसा कोई रिसोर्स होता है। अभी तो भाई ना पूरी सारी की सारी जो है तैयारियाँ ही चल रही हैं, और ऐसा है देखो भाई एक ये स्टेज है, बहुत सारे स्टेज हैं, बहुत बड़ा है भाई, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, ये देखो इधर से भाई पूरा कार्बी यूथ फेस्टिवल घुमाया आज। कैसी क्या तैयारियां चल रही थी? अगर भाई यहां तक का वीडियो देखा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और अभी ये देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का।